आइए भक्तजनों, अब सुनते हैं शनिवार व्रत की विधि एवं कथा। इस दिन शनि की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनि को बहुत प्रिय हैं, इसीलिए इनके द्वारा शनि की पूजा होती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। कथा। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने अपने को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सबके सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसीलिए हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम नवग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझमें ये सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुख का निवारण करने वाला है, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा नवो धातुओं के 9 आसन बनवाए। अब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़े और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसीलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 ही आई और वनवास हो गया, और रावण पर आई तो राम जी ने लक्ष्मण की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहाँ से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 ही की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही
घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल पड़ा। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम वीका बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री अधिक हुई थी, तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय वीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु वीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काट कर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले आया और कोहलू पर उसको बैठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ जवान से बैल हांकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ हो, मैंने इस चौरंगिया के साथ विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा, तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा, तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, यह क्या बात कह रही है, तुझको किसी देश के राजा के साथ परणाया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। तब महाराज ने भी आकर यह समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली।
परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखे को कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और वंदनवार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को न दें। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में भी कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आँख खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृतांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह सुना तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि मैंने आप पर चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निकल गई थी वह अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरे राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्रीकंवर नामक एक कन्या है, उसका पाणि ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहाँ निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी, सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी रथ और पालकियों से सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुँचे और प्रवासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा आगवानी के लिए गई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिश्चर देवता सभी ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने उनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिश्चर की इस कथा को पढ़ता या सुनता है शनिदेव की कृपा से सब दुख दूर होते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए।
श्री शनि देव भक्तन हितकारी। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। श्याम अंक वक्र दृष्टि चतुर भुजाधारी। श्याम अंक वक्र दृष्टि चतुर भुजाधारी। नीलांबर धार नाथ गज की असवारी। नीलांबर धार नाथ गज की असवारी। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। क्रीट मुकुट शेष रजत दीपत है लीलारी। माला गले शोभित बलिहारी। मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। ओ जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। पान चढ़त है सुपारी। मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी। लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। देव तनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी। देव तनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी। विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी।